2012 में कैसी हो जाएगी हमारी धरती, ऐसा दिखेगा इंसान। आज हमारी जिंदगी में कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही है, उतनी ही तेजी से धरती पर भी पॉल्यूशन की परत जमती जा रही है। कल जैसा हो या तो कोई नहीं जानता, मगर मौजूद हालात को देखते हुए भविष्य की कल्पना जरूर की जा सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 1000 साल बाद धरती और इंसान कितने बदल जाएंगे। आप भी जान लीजिए, 1000 साल बाद हमारे शरीर में नैनो रोबोट काम कर रहे होंगे, या हमारे शरीर को जानलेवा बीमारियों से बचाएंगे। उस वक्त मेडिकल इंजीनियर ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित कर लेंगे जो हमारे शरीर की उम्र बढ़ाने को कंट्रोल कर सकेंगे। इससे इंसान की उम्र बढ़ जाएगी। मौजूद वक्त में प्रदूषण की मांग झेल रही धरती की समस्या को उस वक्त नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर लिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी और हवा को शुद्ध किया जा सकेगा। 1000 साल बाद धरती पर रहने की जगह लगभग खत्म हो चुकी होगी। धरती की प्राकृतिक संसाधन भी खत्म हो चुके होंगे। धरती पर रहने की जगह खत्म होने के बाद इंसान को मंगल ग्रह या किसी अन्य ग्रह पर रहने के लिए जाना पड़ेगा। भविष्य की दुनिया मशीन की दुनिया होगी। उस वक्त हमारे साथ मशीनें रहकर हमारे सारे काम करेंगी। भविष्य में इंसान भी पूरी तरह बदल जाएगा। लगभग 1000 साल बाद इंसान का माथा चौड़ा और आंखें बड़ी और चेहरा बड़ा हो जाएगा। 1000 साल बाद कंप्यूटर भी इंसान के दिमाग की तरह स्पीड में काम कर रहे होंगे। उन प्रॉब्लम को सेकंडों में सॉल्व किया जा सकेगा जिन्हें अभी सॉल्व करने में महीनों लग जाते हैं। दुनिया की तस्वीर बदल देगी। इसकी मदद से कई जटिल बीमारियों का इलाज ब्रह्मांड की जानकारी के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुमकिन हो सकेगा। वैज्ञानिक एक समय आर्टिफिशियल आंखें विकसित कर रहे हैं जिसकी मदद से नेत्रहीन भी देख सकेंगे। इस तरह भविष्य में टेक्नोलॉजी विकसित होगी। 1000 साल बाद इंसान के शरीर में टेक्नोलॉजी मर्ज की जाएगी। इस वजह से मनुष्य मशीन बन जाएंगे। उस वक्त इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को मिलाकर सुप्रीम भी बनाया जा चुका होगा, जिसकी मदद से सोचने से लेकर इंटरनेट पर सर्च हो जाएगी। कठिन सवाल भी आसानी से सरल किए जा सकेंगे। जिस तरह से धरती से डायनासोर लुप्त हो चुके हैं, उसी तरह कई प्रजातियां भी धरती से लुप्त हो चुकी होंगी। भाषाओं के अनुसार 1000 साल बाद 90% भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। इसका मतलब है बहुत कम ही भाषाएं अस्तित्व में रह जाएंगी। ये थी ऐसी न्यूज की रिपोर्ट।